अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया हुआ था लास्ट वीक के अंदर, जिसमें हम देखते थे कि अगर हमें सर्किट्स दे दिए जाएं तो उन सर्किट्स को देख के हम इक्वेशंस बना सकें, या हमें इक्वेशंस दे दी जाएं तो उन इक्वेशंस को देख के हम सर्किट बना सकें। आज हमने ये काम करना है कि अगर फॉर इंस्टेंस जैसे इक्वेशन आपको दी जाती है और इक्वेशन को देख के आप उसका सर्किट बना लेते हैं, या फिर आपके साथ ये सूरत हाल होती है कि आपको ट्रुथ टेबल दे दिया जाता है और उस ट्रुथ टेबल को देख के आपको कहा जाता है कि आउटपुट की क्वेश्चंस निकालें। इस चीज़ को हमने देखना है बेसिकली, यानी अदर वे अराउंड। पहले हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हम इक्वेशन को देख के उसका ट्रुथ टेबल बना सकें, यहाँ पास इक्वेशन है तो हम इक्वेशन को देख के उसका सर्किट बना सकें, और इसी तरह सर्किट है तो सर्किट को देख के हम इक्वेशन बना सकें। तो ये चीज़ हमने देख ली कि अगर हमारे पास इक्वेशन है तो इक्वेशन को देख के हम उसका ट्रुथ टेबल बना सकें। आज हमें जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल गिवन हो, इनपुट्स भी गिवन हो और आउटपुट्स भी गिवन हो, लाइक फॉर इंस्टेंस मैं साइड पर अपने पास एक इक्वेशन लिख के रख लेते हैं और उस इक्वेशन को देख के उसका मैं ट्रुथ टेबल बना लेती हूँ, और आपसे मैं कहती हूँ कि आपसे मेरा सवाल ये है कि आप बताएं कौन सी इक्वेशन थी जिसको देख के मैंने ये वाला ट्रुथ टेबल बनाया और आउटपुट की वैल्यू फिल की, राइट? इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है आज। तो उसमें दो चीज़ें हैं, मतलब इक्वेशन को ट्रुथ टेबल को देख के, अगर इक्वेशन खुद लिखनी पड़े तो उसके दो तरीके, एक एस ओ पी फॉर्म और दूसरी है पी ओ एस फॉर्म। एस ओ पी फॉर्म होता है, उसके नाम से पता चल रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, वो आपस में सम हो रहे होंगे। दूसरी फॉर्म है पी ओ एस, पी ओ एस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो उसमें क्या होगा, मुख्तलिफ सम्स होंगे जिनके एंड पे प्रोडक्ट होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी और एंड पे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह बुलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो हमारा फोकस है वो है एस ओ पी और पी ओ एस इक्वेशंस के ऊपर। ओके, तो वही बात यहाँ पे मैंने मेंशन भी की है कि लेट सपोज मैं आपको एक ट्रुथ टेबल दे देती हूँ और मैं कहती हूँ आउटपुट्स पे लिखे हुए, आप मुझे बताएं किस इक्वेशन के थ्रू मैंने ये ट्रुथ टेबल बनाया। तो उसके दो फॉर्म्स हैं, एक एस ओ पी और दूसरा है पी ओ एस। पहले हम एस ओ पी को करेंगे। एस ओ पी बनाने का एक पेट तरीका है, हमेशा यही तरीका होता है, आपने इसको फॉलो करना है। स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन सारे स्टेप्स को अजबर करने अच्छे से और इनको हमेशा फॉलो करेंगे, आसान तरीके ना, कोई मसला नहीं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है वही होता है कि आपने देखना आउटपुट कहाँ कहाँ पर वन है, उन पॉइंट्स को आपने मार्क करना है, जैसे यहाँ पर एक दो तीन चार, तो इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे, फिर जिन पॉइंट्स को आपने मार्क किया है उन पर आपने सारे इनपुट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर लेने हैं। तो इनपुट वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, राइट? इन सबके सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपने इन सबके ऊपर लगाने हैं कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्स में क्यों लगा रहा हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लगाऊंगी तो ये भी ए बी सी ये भी ए बी सी ये भी ए बी सी ये भी ए बी सी, चारों ए बी सी, फ़र्क क्या उनमें? फ़र्क करने के लिए आएंगे कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो तीसरा पॉइंट है। तो आपने हर उस इनपुट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है जिसको वैल्यू जीरो मिल रही है। ये नहीं कि अगर तीनों जीरो है तो आप ए बी सी होल कॉम्प्लीमेंट कर दें, नो, ए बी सी होल कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो जितने इनपुट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होंगे हर एक के ऊपर आपने, सॉरी, जितने इनपुट की वैल्यू जीरो होंगे हर एक के ऊपर आपने इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लगाना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर हो जाएगा सी। इसी तरह इसमें हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये लास्ट वैल्यू भी है, ये जीरो है, ठीक है। ओके, उसके बाद एंड के ऊपर आपने क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स आएंगे इन सबको आपने आपस में प्लस कर देना है। तो अब हम इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेप वन क्या था, आपने उन सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेना है जिधर आपकी आउटपुट वन है, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में सारे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको इधर मल्टीप्लाई करना है सिर्फ मार्क पॉइंट्स पे। तो इनपुट वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, तो यहाँ पे भी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है, हर वो इनपुट जिसको वैल्यू जीरो मिल रही है उसके ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो इधर ए पे कॉम्प्लीमेंट, बी पे कॉम्प्लीमेंट, सी पे नहीं आएगा, राइट? ये रही पहली टर्म, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट स्टेप क्या था कि आपने सब टर्म्स को प्लस कर देना। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बार बार ट्रुथ टेबल बनाया, लेकिन जब आप इसको एग्जाम में करेंगे या वैसे प्रैक्टिस के लिए करें, एक ही ट्रुथ टेबल के ऊपर सारे स्टेप्स करें, बार बार इसको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो बार बार बनाने का मकसद था वो ये था कि आपको बार बार ऊपर ना स्क्रॉल करके जाना पड़े, आपके सामने हो ट्रुथ टेबल। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इस एग्जाम्पल को मैं कम्प्लीट करूँ, ये जो आपके पास टर्म्स आई हैं एक दो तीन चार एस ओ पी टर्म्स हैं, ये एस ओ पी आप देखें वही सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये ए बी सी ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, इनका आपस में सम हो रहा है। तो यहाँ से पता चला कि ये हमारे पास एस ओ पी फॉर्म है।
मतलब ये जो SOP में हमारे पास टर्म्स आते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये चार टर्म्स आई हैं, इन टर्म्स का एक स्पेसिफिक नेम होता है और वो नेम होता है मिन टर्म्स। इन टर्म्स को आप मिन टर्म्स भी कह सकते हैं। तो इस ट्रुथ टेबल में कितने मिन टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो इस ट्रुथ टेबल के अंदर ये चार मिन टर्म्स हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, मतलब दो तरीके हैं ये। जब मैं आपको एग्जाम में कहूँ कि SOP फॉर्म में लिखें, तो आपने उसको ऐसे लिखना है ABC की फॉर्म में। जब मैं कहूँ मिन टर्म्स की फॉर्म में, तो फिर आपने उसको मिन टर्म्स की फॉर्म में करना। तरीका सारा का सारा वही है कि जिधर आउटपुट वन है उसको मार्क किया, उसके बाद मिन टर्म्स में ज़्यादा आसानी। ABC नहीं लिखते आप, स्मॉल m लिखते हैं, मिन। ऐसे इसको याद रखें, मिन है तो आप इसको स्मॉल m से करें, मैक्स होता तो कैपिटल m करते। तो पहला m, दूसरा m, तीसरा m, चौथा m, इन चारों को आपने m से रिप्रेजेंट किया। अब अगर इन चारों को m करेंगे तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा? तो फर्क करने के लिए आपने देखना है कि m आपने जिधर लिखा है वहाँ पे इनपुट के ऊपर कौन सा नंबर है। ये इनपुट के ऊपर नंबर है 001। इस पूरे को आपने एक नंबर कंसिडर करना और देखना है कि ये किसकी बाइनरी बनती है। तो 001 किसकी बाइनरी है? वो वन की बाइनरी। बाइनरी निकालने का तरीका, इनकेस आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूँ, 001 ये नंबर है हमारे पास जिसकी हमने निकालनी है बाइनरी। ओके, तो वो तरीका क्या था? 0 × 2 प्लस, मतलब हर जो नंबर होता था उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। सॉरी, यहाँ पे 2 रहेगा। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास दोबारा 0 × 2 और तीसरा नंबर है मेरे पास 1 × 2। और उसके बाद आप इनको पावर असाइन करते थे। यहाँ पे 2 की पावर क्या आनी है? 0 से शुरू होती थी, 2 की पावर 0। यहाँ पे आएगी 2 की पावर 1 और यहाँ पे आएगी 2 की पावर 2। तो ये तो जाहिर सी बात है 2 की पावर 0 1 होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 0 जिसे भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, प्लस अगले टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस 2 की पावर 0 1 होते हैं। तो यहाँ से पता चला 001 ये 1 की बाइनरी है। तो आप यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे 1। अगला नंबर है 010, यहीं पे मैं चेंज कर देती हूँ। ये नंबर है मेरे पास 010, तो अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? पहली वैल्यू 0 है। ओके, 2 की पावर 1 2 होता है, प्लस तीसरी वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी। तो अब ये 0 + 2 + 0, ये 2 की बाइनरी है, तो यहाँ पे आ गया 2। अगला नंबर है 100, 1004 की बाइनरी है। यहाँ पे आपके लिए कर भी देते, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 और बाकी दोनों हो जाएंगे 0। 2 की पावर 2 होता है 4 और बाकी दो टर्म्स है मेरे पास 0। तो ये 4 की बाइनरी है, तो ये आपके पास 4 आ गया। 1106 की बाइनरी होती है, इसको भी यहाँ पे देख लें, 1 10, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, अगला 0 ही है। 2 की पावर 1 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4 + 2 हमारे पास 6 होता है, तो ये 6 की बाइनरी है। तो ऐसे भी तो आपने क्या करना है, जितनी टर्म्स आई एंड पे इनको आपने प्लस कर देना है, यानी m1 + m2 + m4 + m6 लिखते हैं। तो आप चाहें तो आप इस फॉर्म में लिखें, चाहें तो आप समेशन का साइन डाल के इन सबको कॉमा से सेपरेट कर दें, दोनों तरीके ठीक है। तो जब मैं आपको कहूँ कि मिन टर्म्स की फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो मुझे ये चीज़ चाहिए होगी, और जब मैं कहूँ कि SOP की फॉर्म में लिखें तो आपने इसको ऐसे लिखना है। ओके, एक और प्रैक्टिस एग्जाम्पल करते हैं। अब ये भी उसी तरह मैंने अपने पास साइड पे ट्रुथ टेबल बनाया, उसके आउटपुट की इक्वेशन मेरे पास थी, उस इक्वेशन की बेस पे मैंने ये ट्रुथ टेबल बना लिया। इक्वेशन मैंने आपको नहीं दी, मैंने आपको कहा कि आप मुझे बताएं कि इक्वेशन क्या है, SOP इक्वेशन निकालनी है। तो आपने सबसे पहले वंस को मार्क किया, ये सारे के सारे वंस मेरे पास मार्क हो गए। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना था, जिन वंस को मार्क किया उधर सारे इनपुट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई, तो ABC 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 ABC, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप, हर वो इनपुट जिसका वैल्यू 0 मिल रही है उस पर आपने कॉम्प्लीमेंट्स लगाने थे। तो A कॉम्प्लीमेंट,
बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए मैंने होल कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया, तो आपने भी हर कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल ट्रीट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी ए बी और सी, और फिर इन सबको कर दिया प्लस। इसी तरह इसको अगर मिन टर्म्स के फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, सबसे पहली वैल्यू 0 0 0, तीनों जीरो वो जीरो की मान रही है, यहाँ पर सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट। ओके फिर अगला नंबर क्या है मेरे पास, 0 1 0, 0 1 0 किसकी बाइनरी है, वो 2 की बाइनरी अभी हमने ऊपर निकाली थी। बहरहाल अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको दोबारा देख लें, 0 1 0, तो अब ये 0 हो जाएगा, ये 1 है और ये 0 है, तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो उसको 0 कर देता है, ये भी 0 आ गया, तो ये 2 की बाइनरी है, तो बेस में मैंने लिख दिया M2। फिर है 101 101, 5 की बाइनरी होती है, इसको भी यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं, 101, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1, ये मेरे पास हो जाएगा 0 और ये मेरे पास हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 2 4 होता है, तो ये 4 आ गया, ये नेक्स्ट मेरे पास आ गया 0 और फिर 1 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया 1 4 + 1 5, तो ये 5 की बाइनरी है, और लास्ट 1 1 1 ये 7 की बाइनरी होती है, तीनों 1 हो जाएंगे राइट। यानी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे भी 1, तो 2 ये हो गया, तो ये आ गया 7। फिर उसी तरह इन सब को या तो प्लस कर दें या फिर समेशन लगा दें, तो ये था मेरे पास SOP। अब जो दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ POS फॉर्म। SOP और POS एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट होने का क्या मतलब है, जिधर आप 1 को देखते थे वहाँ पे आप 0 को देखेंगे, जिधर आप मल्टीप्लाई करते थे वहाँ प्लस करेंगे, जिधर आप प्लस करते थे वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर कॉम्प्लीमेंट आता था वहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, जिधर कॉम्प्लीमेंट नहीं आता था वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो सारा का सारा ऑपोजिट हो जाता है, स्टेप सारे उसी तरह लेकिन ऑपोजिट में आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप वहाँ पे 1s को मार्क करते थे, तो यहाँ पे आप 0s को मार्क करेंगे राइट। फिर जो मार्क पॉइंट्स थे वहाँ पे आप इनपुट्स को मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे आप उनको प्लस करेंगे गुड। उसके बाद तीसरी चीज़ आप कॉम्प्लीमेंट 0 पे लगाते थे, अब कॉम्प्लीमेंट किस पे लगाएंगे, 1 पे लगाएंगे, और एंड के ऊपर आप सब टर्म्स को प्लस कर देते थे, तो यहाँ पे आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। SOP में जो टर्म्स आते थे उन टर्म्स को मिन टर्म्स कहते थे और उनको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे। POS में जो टर्म्स आएंगे उनको मैक्स टर्म्स कहेंगे और उनको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके अभी एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आउटपुट्स कहाँ कहाँ पे 0 हैं उन पॉइंट्स को मार्क कर दिया, फिर जो पॉइंट मार्क किए वहाँ पे सारे इनपुट वेरिएबल्स प्लस होंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब कॉम्प्लीमेंट्स लगाने हैं, वहाँ हम 0s पे कॉम्प्लीमेंट लगाते थे, तो यहाँ 1 पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे सी पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए और सी पे कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ ए बी और सी तीनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। वहाँ पे हम टर्म्स को एंड के ऊपर प्लस करते थे, तो यहाँ पे जितनी टर्म्स आई इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपको मैं कहूँ एग्जाम में कि POS से क्वेश्चन लिखें तो आपने इस तरह से लिखनी है, और अगर मैं कहूँ कि मैक्स टर्म्स फॉर्म में लिखें तो उसका तरीका क्या होगा, उसी तरह जो जीरोज हैं उन सबको आपने मार्क किया और उन सबको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम के साथ, तो ये सारे जीरोज थे मार्क हुए हैं उन सबको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया। बाइनरीज निकालने का वही तरीका है, बाइनरीज को ना चेंज कर दीजिएगा कि जब हमने 0 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करना और 1 पे कॉम्प्लीमेंट करना है, नो, बाइनरी का एग्जैक्टली वही तरीका। तो 0 0 1 1 की बाइनरी है, आप इसको यहाँ पे कर भी लें, तो 0 0 1, तो उस हिसाब से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ज़ाहिर है ये टर्म भी मेरे पास 0 हो जाएगी और ये अगली टर्म भी मेरे पास 0 हो जाएगी, तो ये 1 की बाइनरी है, तो यहाँ पे आ गया 1। अगला नंबर है 100, अगला नंबर है 100, तो उस हिसाब से यहाँ पे आएगा मेरे पास 1 और अगले दो हो जाएंगे 0, तो 2 की पावर 2 मेरे पास होता है 4 और बाकी सब 0 है, तो ये मेरे पास 4 की बाइनरी है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अगला नंबर है 101, 101, 2 की पावर 0 1, तो ये 5 की बाइनरी आ गई, इसी बेस पे हमने लिख दिया 5, और लास्ट नंबर है 111, वो 7 की बाइनरी होती है,
एसओपी को देखते हुए जब आपने मिड टर्म्स निकाली थी तो आपने सब टर्म्स को प्लस किया था, तो अब पीओएस है तो आप इन सारे मैक्स टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो या तो आप लिखे M1 मल्टीप्लाई M4 मल्टीप्लाई M5 मल्टीप्लाई M7, या फिर आप प्रोडक्ट का सिंबल लगा के इनको कॉमा से सेपरेट कर दें, दोनों तरीके से है। ओके, फिर एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, उसी तरह जो जीरोस थे उनको मैंने मार्क कर लिया, उनके ऊपर इनपुट वेरिएबल्स को कर दिया प्लस। अब हर वो इनपुट वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 है उस पर कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, यहाँ बी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ ए और सी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, और फिर इन सब टर्म्स को मैंने आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। अगर मैं इनको मैक्स टर्म्स के फॉर्म में लिखूँ तो इनको मैं रिप्रेजेंट करूँगी कैपिटल एम से। 0 0 0 ये 0 की बाइनरी है, 0 1 0 2 की बाइनरी है, और 1 0 1 5 की बाइनरी है, तो इस तरह से ये हमने इसको लिख लिया है। ओके, तो ये आप लोगों का लेसन था। अब आप लोगों ने करना ये है कि अपने पास रैंडम एग्जांपल्स बनानी है, 3 और 4 वेरिएबल के ट्रुथ टेबल बनाएंगे, अपनी मर्जी से आउटपुट्स लिखें, 1 और 0 लगाएं, और फिर इक्वेशन निकालने की प्रैक्टिस करनी है आपने उसके ऊपर। एक और जो प्रो टिप यहाँ पर मैं आपको दे दूँ, ट्रुथ टेबल में ये आपके पास फिलहाल 0s आ रहे हैं या 1s आ रहे हैं, तो अगर आपके पास 4 1s हैं यानी 4 मिन टर्म्स हैं तो बाकी के 4 मैक्स टर्म्स होंगे। तो फॉर इंस्टेंस मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के हाँ जी मुझे बताएं कि आपने जो आपके पास एक ट्रुथ टेबल है और उसमें मेरे पास 4 मिन टर्म्स हैं, 3 इनपुट वाला ट्रुथ टेबल है और उसमें 4 मिन टर्म्स हैं, तो बताएं मैक्स टर्म्स कितनी होंगी। तो जाहिर सी बात है 3 इनपुट वाला है तो उसमें टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से अगर 4 मैक्स टर्म्स हैं तो बाकी सारी की सारी मिन टर्म्स होंगी। तो इस तरह की छोटी छोटी कॉमन सेंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।